पूछा ऐसी एग्जाम्स जितनी भी आप लेते हैं उसमें कितने पैसा आज तक व्यापम में जमा है, सरकार के पास जमा है। तो सरकार ने उत्तर दिया कि 5 अरब रुपया हमारे पास बेरोजगारों का जमा है। मैंने इस पर एक आशास की संकल्प लाया और कहा कि बेरोजगारों से आप किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यय लेते हैं या पैसा लेते हैं तो ये अन्याय है। विधानसभा में लगाए गए जीतू पटवारी के एक सवाल पर ऐसा जवाब निकल कर सामने आया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन सक जाएगी। दरअसल पटवारी के सवाल पर सरकार ने ये माना है कि पिछले 10 सालों में वो प्रदेश के बेरोजगारों से परीक्षा फीस के नाम पर 500 करोड़ से ज्यादा राशि वसूल चुकी है। इस जानकारी के सामने आने के बाद जीतू ने मांग की कि वो अब व्यापम के जरिए होने वाली परीक्षाओं की फीस वसूलना बंद कर दें। आदरणीय मध्य प्रदेश के वो युवा साथी जो व्यापम के माध्यम से सरकार के अन्य विभागों में, कई विभागों में नौकरियां करना चाहते हैं, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे माता पिता के खर्चे पे हम पलते और बढ़ते हैं, हर बार एग्जाम देते हैं और हमें फिर भी नौकरी नहीं मिलती। पर एग्जाम का जो फॉर्म भरते हैं उसका भी सरकार बेरोजगारों से पैसा लेती है। तो इसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। साथियों, मैंने आपकी भावना को समझा और आप जिस तरीके से बार बार आंदोलित होते हैं, मुख्यमंत्री के, सरकार के, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये सब बातें लाते हैं, उस भाव को मैंने विधानसभा में रखा। जब विधानसभा में उस बात को रखा और मैंने पूछा कि इस साल कितनी एग्जाम में कितना पैसा बेरोजगारों से आपने एकत्रित किया, तो 114 करोड़ रुपया हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों से हमारे व्यापम के माध्यम से सरकार ने इस साल इकट्ठा किया। मैंने पूछा ऐसी एग्जाम्स जितनी भी आप लेते हैं उसमें कितनी पैसा आज तक व्यापम में जमा है, सरकार के पास जमा है। तो सरकार ने उत्तर दिया कि 5 अरब रुपया हमारे पास बेरोजगारों का जमा है। मैंने इस पर एक आशास की संकल्प लाया और कहा कि इन बेरोजगारों से आप किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यय लेते हैं या पैसा लेते हैं तो ये अन्याय है। एक तो रोजगार नहीं है और फिर एग्जाम लेने के पैसे लेते हैं, तो सरकार का क्या काम है। तो साथियों, इसका शासकीय संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है सदन में। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप चूंकि मुझसे हमेशा ये शिकायत करते थे, मैंने अपना रोल प्ले किया है, पर यह सरकार हठधर्मिता सरकार है। ये सरकार शिवराज की लूट की सरकार है, सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती लोकतंत्र को। ये वीडियो भी इसीलिए मैंने पब्लिक डोमेन में भेजा है कि ये सदन में हम बात नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था नहीं बनाना चाहती। तो साथियों, समझो, जागो और इनकी करनी और कथनी के अंतर को समझो। धन्यवाद। इस खुलासे के बाद जीतू पटवारी प्रदेश के युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि वो व्यापम की परीक्षाओं को शुल्क मुक्त करने के लिए आंदोलन करें, क्योंकि मुद्दा युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में लाजमी है कि इसका कोई असर भी देखने को मिले और चुनावी साल में सरकारी परीक्षाओं में फीस का मुद्दा क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।